फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये सोल्यूशन नहीं है, तुम दूसरी शादी करने का नहीं सोचती? कहती हाँ लेकिन कोई सही मिले इंसान तब ना। तो मैंने कहा ऐसा है कि हम अखबार में ऐड देते हैं। तो हमने अखबार में ऐड दिया उसका। मैंने उससे फिर कई लोग मिलने, बातचीत होने लगी, लेकिन कोई बच्चों के साथ उसको लेने को तैयार नहीं था। फिर एक आदमी का आया, वो सिंधी थे, डेनमार्क में रहते थे। उन्होंने फोन किया उसमें, क्योंकि घर का मेरे टेलीफोन नंबर दिया था, तब ये सेल फोन नहीं हुआ करते थे। उन्होंने फोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे को बात करनी है उनके साथ। मैंने कहा हाँ उनसे बात करें। तो उन्होंने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ और मैं इंडिया आ रहा हूँ, तुम्हारी मुलाकात हो सकेगी उनसे? मैंने कहा हाँ आइए। तो वो इंडिया आए तो हम लोग उनके साथ यूनाइटेड कॉफ़ी होम में गए मुलाकात करने के लिए। तो काफ़ी देर तक, 1-2 घंटे 3 घंटे उनके साथ बात हुई। तो उनको भी, वो दोनों का, वो थोड़ी उम्र के थे, मैच इनका मतलब ठीक लग गया, लगा कि आदमी केयरिंग है। तो उसने कहा कि मैं इनको ले जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं सबको पहले लेकर जाऊं, पहले वहां का प्रोसीजर है, पहले मैं इनसे शादी करूंगा, फिर उसके बाद ही अपने बच्चों को लेकर आ सकती हैं। तो मैंने कहा कि देखिए मैं जर्नलिस्ट हूं, आप विश्वास ये दिला के ले रहे हैं इनके साथ शादी का कि आप बच्चों के अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि एक माँ है ये अपने बच्चों के लिए ही कर रही है। अकेली औरत का तो गुजारा किसी के का भी कुछ भी काम करके कर लेगी, लेकिन ये इसका ये सब चीज़ें करिए कि इसके बच्चों को अच्छा भविष्य मिल जाए। और ये कहते, कहने लगे हाँ ठीक है। मैंने कहा और आप ये याद रखें, अगर आपने इस बात को जो आप वर्ड्स बोल रहे हैं इसके ऊपर अमल नहीं किया तो मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ, आपके डेनमार्क तक से यहाँ घसीट के लेके आऊँगी। कहने लगे नहीं। फिर उसकी मैंने सब पेपर्स वगैरह बनवा के उसको मैंने डेनमार्क भेजा, वहाँ पे उसकी शादी हुई। 1.5 साल तक उसके बच्चों को, 2 बच्चे थे, उसको मैंने केयर किया, उनको स्कूल भेजना, लाना, ले जाना, पूरा केयर किया। फिर वो आई है वापस, तब अपने बच्चों को वो लेकर गई। आज उसके बच्चे बहुत अच्छे हैं। मेरे को इतना खुशी होती है कि एक बच्चा उसका बहुत अच्छा बैंड में, बैंड ग्रुप है उसका, और एक बच्चा वहाँ का स्टेट का फुटबॉल प्लेयर है। तो डेनमार्क में ही है दोनों। आपकी बात कभी कभी हो जाती है? शुरू में तो काफ़ी बार बात होती थी, फिर जब मेरे को लग गया कि ठीक है सब अपनी अपनी ज़िंदगी में, तो फिर बात कितने खास नहीं।